बहुत खुश हैं. इट्स अ वेरी गुड डिसीजन दे हैव टेकन. बहुत अच्छे लगते हैं दोनों साथ में. बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं. दे मेक अ वंडरफुल कपल एंड फाइनली दे आर मैरिड. और भ्रम राक्षस आज आए हैं. अपराजिता को मारेंगे नहीं, उनकी शादी में नाचेंगे. उनको शादी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं. और आज लाल जोड़ा पहना होगा तो शायद मेरे नाखून वाखून निकल जाए, तो प्लीज डंड. Like to wish them a lot of love, lot of luck. बस खुश रहें, एक दूसरे से प्यार करें हमेशा, और बस enjoy करें life, be friends, best friends. अगर ये आपकी गाड़ी है सुयश, तो उसको बेच डालना. बहुत पेट्रोल खाती है और पेट्रोल का प्राइस अब बहुत ज्यादा होने वाला है. हाँ, शादी के बाद आप बजटिंग शुरू कर देते हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज. हाँ, दिस इज अ वेरी गुड थिंग. बजटिंग फॉर बोथ ऑफ देम आई थिंक. सुयश एंड किश्वर आर बोथ वेरी सक्सेसफुल एक्टर्स अनलाइक मी. सो इट इज गुड दैट दे हैव डोंट नीड टू बजट. हमें बजट करना पड़ता है. एवरीबॉडी नीड्स टू बजट. वी ऑल नीड टू बजट. मिस्टर बच्चन बजट्स स्पेशली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन. ऑल ऑफ अस हैव टू बजट. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सुकेश की शादी हो चुकी है. दोनों हमेशा से ही एक दूसरे के साथ ही थे. यू नो, यू कैन नॉट इमेजिन वन विदाउट द अदर. तो मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी और अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. एंड सुयश, बी केयरफुल, मेरी राक्षस तुम्हारे पास आ रही है. टिप्स मैं उनको क्या टिप्स दूँ जो इतने सालों से एक दूसरे के साथ है. आई थिंक यू नो दे कैन गिव ऑल ऑफ अस टिप्स. तो आई जस्ट वांट टू विश देम अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. साथ रहो, खुश रहो एंड लॉट्स ऑफ लव टू बोथ ऑफ यू. इन द गैंग में यही बोलूँगी. फाइनली यही खुश बहुत हूँ कि दे बोथ आर लवली पीपल. दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड दोनों की शादी हो गई. फाइनली हो गई. सो बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार कि खुश रहो. दूधो ना पोतो फलो. दो अल्टीमेटली दो प्यार करने वाले जब आपस में मिलते हैं और शादी के बंधन में जाते हैं तो बहुत खुशी होती है. ऐसा लगता है प्यार की जीत हुई है. दोनों को ये कहूँगी, सिर्फ एक दूसरे की बात सुनना, किसी की बात मत सुनना. बिकॉज तुम दोनों को एक साथ, एक दूसरे के साथ रहना है, किसी तीसरे को नहीं रहना है. सो लड़ो, झगड़ा करो, प्यार करो, लेकिन अपने कमरे में करो और खुश रहो. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत अच्छा लग रहा है. मैं उसे 10 साल से जानती हूँ और मुझे लगता है कि सुयश जैसा लड़का उसे कभी नहीं मिलेगा. आई थिंक दे हैव मेक अ वंडरफुल कपल. हमेशा मेरा प्यार और बेस्ट विशेज हमेशा हमेशा उनके साथ है और वो जानते हैं. नहीं, बस मेरी तरह उनका भी पति अभी यंगर है तो आई थिंक इट्स अ लॉट मोर फन. और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं चारों चार. सो इट्स ग्रेट. थैंक यू. वी वांट टू विश सुयश किश्वर हैप्पी मैरिड लाइफ और एंड बी टुगेदर ऑलवेज. कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच. प्लेजर. इट्स प्लेजर. मैं दोनों की शादी में जाके नाचने वाला हूँ. और अच्छे मेरे भाई बहन हैं वो दोनों. और भाई बहन हमें कहीं पता मैं बहन की तरफ से जाऊँगा या भाई की तरफ से जा रहा हूँ, पर मुझे जाके अंदर मस्ती करनी है बस. मेरी विश ये साथ है कि हमेशा साथ रहें एंड हमेशा खुश रहें. जितना काम है काम करें, उसके अलावा ज़िंदगी के मज़े लें. बिल्कुल. बहुत हमें बड़ी खुशी हुई है कि माया और पूरी दोनों साथ में मिल चुके हैं. सुयश और ईश्वर दोनों मिल चुके हैं और आज असली में उनकी मुलाकात हुई. क्योंकि मैरिज का डिसीजन बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है.
और बड़े सारे लोग साथ में रहते हैं और एज ए कपल बड़े सारे शोज़ करते हैं, पॉपुलैरिटी पाते हैं। फिर उसके बाद कोई उत्तर प्रदेश में होता है, कोई बिहार में होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों बॉम्बे में, इन दोनों ने अपना घर बसा लिया है, तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर। बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली वो दिन आ गया है जब दोनों की शादी हो रही है। और ये प्रश्न काफ़ी जब एक कपल रहता है कि मेरी शादी कब कर रही है, हमें भी ऐसी 6 साल लोगों से बाद शादी हुई थी, तो अब हमारी जो दोस्त हैं उनकी फाइनली आज शादी हुई है, सिर्फ एक ग्लैड दैट वी आर पार्ट। वहीं टिप देने का ज़माना तो चले गया है, कोई फ़ायदा नहीं, कोई किसी को कुछ आज के ज़माने में टिप दे नहीं सकता है, बट जस्ट आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम, ऑल थैंक यू, एंड वी वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू।